बिहार के समस्तीपुर में है सजलूंग कुरैशी जी के घर पर मौजूद है। पिछले दिनों जो मामला हुआ आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वो वायरल वीडियो तो देखा होगा, जिसमें एक आदमी को कई लोग मिलकर बुरी तरह से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो जब वायरल वीडियो का जांच किया, पड़ताल किया, तो पता चला कि वो वीडियो किसी और का नहीं सजलूंग कुरैशी जी का है। अभी हम समस्तीपुर में सजलूंग कुरैशी जी के घर पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना है। विगत दो दिन पहले यहाँ कई नेता आए थे, आलोक मेहता वो आए हुए थे, यहाँ पर कारी शोएब एमएलसी साहब आए हुए थे, कई बड़े जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ आए थे, सभी जनप्रतिनिधि आए थे, सबों ने आश्वासन दिया है। यानी कड़े सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद कैसे एक आदमी की भीड़ के द्वारा लिंचिंग कर दिया जाता है, घटना हुआ। हालांकि ये घटना भी पूरी तरह से लिंचिंग था, क्योंकि एक आदमी को गौ मांस के नाम पर भीड़ में बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल है, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो। मैं अभी उन्हीं के पास हूँ, बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आप कैसे हैं, अभी ठीक हैं? बहुत ही ठीक है, अभी ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए, उस दिन जो कुछ हुआ आपके साथ क्या हुआ था, आप कहाँ से आ रहे थे, कौन लोग थे, भीड़ में आपकी पिटाई हो रही है, वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना है? वो मेरे चंदन झा जो है ना, उसी पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सजलूंग कुरैशी जी, मेरा घर रहीमाबाद है, पोस्ट ताजपुर है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना ताजपुर बंगरा है, जिला समस्तीपुर है। बस क्या हुआ था 16 तारीख को? जब 16 तारीख को हम बकरी खस्सी खरीदने के लिए गए थे, तो हमारे साथ जो है वही घटना किया, पेशाब करने के लिए रुके नागबाजपुर में, तो हमारे वहाँ पर जो है नौजवान गांव छिल रहा था, वो हमें देखा तो वहां से ढोकरा देखा तो आया, बोला के उसमें क्या चीज है, बोला कुछ नहीं, तो क्या करते हैं बकरी खसी करती है, बाइक पर लगा हुआ था। हाँ जो है तो गाड़ी में चाबी लगे हुआ था, वो गाड़ी चाबी निकाल के उसके बाद चंदन झा को फोन किया कि जल्दी से आओ, सभी ग्रुप के साथ आओ, पकड़े गया पकड़ा है, सो उसको देखना है आपको। आया चंदन झा, कुछ पूछताछ नहीं किया, और मारना शुरू कर दिया पूरा। क्या आरोप लगाया था, क्या आरोप लगा के पिटाई किया था? वो बोला कि गाय गोरु का मांस है, अच्छा। बेचता है, अच्छा। इसमें रखे हुआ, बोले देख लिया जाए, खुल के कुछ नहीं है मेरे पास में, उसके बाद भी जो देख लिया उसके बाद ही मारा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वैसे काम क्या करते हैं? बकरी खस्सी का काम करते हैं, खस्सी बकरी खरीदने का काम करते हैं, इलाका से खरीदते हैं, और एक दुकान है, दुकान भी है, दुकान है, वहाँ काटकर उसका मांस को बेचते हैं और उसको वैसे भी बेचा करते हैं, वैसे भी बेच देते हैं। ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये हमारा ऐसा नहीं कि लगभग हम 40 वर्ष से कर रहे हैं। 40 साल से आप ये काम कर रहे थे? जी। तो 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि आपके साथ कुछ लड़के, बहुत असामाजिक तत्व के लोग, बहुत सारे लोग आए हमारे, हमको पुलिस 112 की पुलिस आई थी, 112 की पुलिस आई तो वही बचा लिया हमको, अच्छा। उसके हाथ से भी छीन लिया, तो फिर भी बोला कि इसका मारा मत हम करेंगे, इसके सामने भी पीटा, हाँ उसके सामने भी पीटा, पुलिस भी खा गया माल, पुलिस भी मार खा गया, बिचाला पर्थी पर भी खा गया माल, अच्छा अच्छा। उसके बाद जो ले गया थाना पर ले गया, तब वहाँ भी गया इन लोग, तो वहाँ पर कुछ नहीं बोला, थाना पर भी गया था ये लोग, हाँ हाँ। अच्छा फिर जब आपके साथ सब कुछ हुआ फिर क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ, तो बड़े बाबू बोला कि जब इसमें कुछ साबुत नहीं है तो तुम लोग क्यों भीड़ लगा हुए हो, गुनाह कसूर को मार रहे हो, पीट रहे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे। थाना अध्यक्ष ने कहा जी, बड़ा बाबू बोला था, ये सब भाग गए, सब भाग गया उसके बाद जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है सब भाग गए, तो हम लोग बड़ा बाबू भेज दिए हॉस्पिटल, तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल भेज दिए, तो वहाँ गया तो टाका का पड़ गया सर में, अच्छा। तो तब से आपका इलाज चल रहा है? चल रहा है, बैठने में भी तकलीफ हो रहा है, तकलीफ, चल फिर नहीं सकते, पूरी तरह से समझिए पूरे बॉडी में चोट है, सीने में सब फूला हुआ, माथा में बहुत चोट है। यानी भीड़ के द्वारा, ये समझ लीजिए 40 से 50 लोगों की भीड़ थी, और उस भीड़ में एक अबला व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। धन्यवाद है 112 डायल 112 की पुलिस को, जिन्होंने मौके वारदात पर पहुंचे और इनको बचाया, नहीं तो उस भीड़ में कुछ अप्रिय घटना भी हो सकता था। क्या इस मामले में मार दिया था? अच्छा, मार दिया, बोला कि इसको जब एक करके जो है जला दो, पेट्रोल निकाल के गाड़ी में से जिंदा जला दो, जिंदा जला, ऐसा बोल रहा था, हाँ से बोल रहा था, भीड़ के द्वारा बोला जी। अच्छा, इस मामले में आपने थाना में आवेदन दिया, शिकायत की, सब कुछ बोले, आवेदन भी दिए था, हाँ सब कुछ, FIR दर्ज हुआ, सब कुछ हो गया। क्या कार्रवाई हुई, किसी को पकड़ा गया? कोई को भी नहीं पकड़ा है, नहीं पकड़ा गया, एक भी नहीं। अब आप समझिए कि एक आदमी के साथ भीड़ में लिंचिंग किया जाता है, और खुश नसीबी था कि 112 की पुलिस आ गई और मौके वारदात से इनको बचा लिया गया, नहीं तो एक अप्रिय घटना घट जाता।
और कहीं न कहीं आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो आज हमारे साथ कुरैशी जी नहीं होते। लेकिन गनीमत रहा कि उन्हें किसी भी तरह से बचा लिया गया। लेकिन जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, इनके द्वारा जो FIR किया गया है, आवेदन दिया गया है, उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और नहीं होने से इस परिवार को थोड़ा सा निराशा है, पुलिस प्रशासन के रवैये से थोड़ा सा निराशा है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं। और सवाल यह है कि जिस बिहार में यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है, यहाँ नीतीश कुमार के राज में पुलिस सब कुछ ठीक ठाक चला रहा है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सवाल है। उसकी पत्नी है, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या उसके बाद क्या कुछ हुआ। अच्छा ये बताइए, क्या कुछ तक ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कुछ हुआ आपसे बताइए, अब कैसे क्या कुछ होगा? अब हमारे दिक्कत हो रहा है, ये तो बीमार पड़ गए, मार के बर्बाद जिंदगी कर दिया, कब तक हम लोग कैसा जिंदगी बन के रहेगा? और हमारे पास में बेटी है, बेटी के रिश्ता लगाए हुए हैं, उसका नकदी के लिए कमाने जाते हैं, अब वो नकदी हम कैसे पुराएंगे? कितना बेटी है? अभी 3 बेटी कुमारी है, 2 बेटी के शादी कर दिए, अब बेटी के रिश्ता लगा लिए, अब हमारे बेटी के कैसे शादी होगा, क्या होगा, कैसे हम समूह भरेंगे? 4 समूह उठाए हुए, लोन लिए हुए हैं, अब लोन हमसे कैसे सदेगा? अब लोन वाला दरवाजा पर आएगा, क्या बेइज्जती करेगा, क्या उठा कर हम, मतलब अब आपके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है? बस कमाने वाला यही पूरा घर परिवार यही चलाते थे। का एक सहारा बेटा ही होता है, और जैसे ही इनके पिता के साथ घटना हुआ और इनके बेटे को पता चला, तब से बहुत निराश है। कानून व्यवस्था पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अब तक आपके पिताजी को न्याय नहीं मिला है, क्या कहना चाहिए? अभी तक न्याय नहीं मिला, हम लोग का यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको धर के जो है जेल के सलाखों के पीछे। आपको पता चला घटना के बारे में? कब पता चला, कैसे पता चला? हमको वहाँ से जो है सो कॉल आया हुआ था, ठीक है, कि तुम्हारे पिताजी को जो है कुछ लोग नाम से पहचानते हैं कि पिता को पकड़ के पीटा गया, अभी थाना में पकड़ के ले गए हैं। डर से हम लोग, ये घटना 11 घटी, हम लोग वहाँ 9 रात में डरते डरते पहुंचे, कहीं हम भी जाएंगे, कहीं हमको भी ना पकड़ ले। हुआ क्या, जब उनको ला के यहाँ पूछताछ किया गया, तब बताए कि ऐसे से ऐसे मैटर फंसा के हमको मारा, बांग्लादेशी करार देते हुए इनको इल्जाम लगाकर जो है बुरी तरीके से। बांग्लादेशी करार दिया? जी करा, बांग्लादेशी है ये। अच्छा, ये बाहर से आया हुआ है, ताजपुर में रह के जो है सो बांग्लादेशी है, और ऐसे करके बुरा बुरा इल्जाम लगा के इनको बुरी तरीके से मारा। आप सोच सकते हैं कि भारत के एक नागरिक को बांग्लादेशी तक बता दिया जाता है। ये वही सजलूम कुरैशी है जिनके घर पर हम मौजूद है, समस्तीपुर जिला में उनके आवास पर हम आए थे, और सामाजिक तत्व के लोग किस तरह से भीड़ में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते हैं, और सिर्फ इसलिए पिटाई की जा रही थी क्योंकि ये मुस्लिम थे, इसलिए पिटाई की जा रही थी क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा दिया था ये गौ मांस का तस्करी करते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि ये बकरी और खस्सी जो होता है बकरा, उसकी खरीदारी का काम करता है, उसके मांस को काटकर बेचा करते हैं, ये भी है जी, खरा भी बेचते हैं और कहीं मांस भी बनाकर बेचते हैं। अच्छा, और अब तो ये कुछ भी नहीं करता। दुकान भी है? मेरा दुकान भी है। अच्छा, दुकान कौन चलाता है? पापा चलाते थे? दुकान हम चलाते थे, ये अपना खड़ा लाते थे और खड़े बेच देते थे, मतलब फील्ड का काम। हाँ, फील्ड का, समस्तीपुर मुसरी घरारी जहाँ चाहते थे वहाँ बेच देते थे। जाते थे जी, खड़े भी बेचते थे और काट कर भी। हाँ, खड़े भी बेचते थे, यानी कुल मिलाकर कसाई का काम करते थे, कुरैशी का काम करते, कुरैशी जो परिवार का काम होता है वो काम करते थे। हम लोग का मीट का दुकान है, मतलब आप लोग का मीट का काम होता है, ये काम करते थे, अब आप समझ गए। लेकिन भीड़ जिस तरह से पीटा, क्या कुछ कहना है इस पर? वैसा किसी के साथ अब न ऐसा कार्रवाई करे कि ये घटना किसी के साथ न लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया, यानी अपराधियों को पुलिस का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, अभी भी पीट रहा है। परसों तरसों भी एगो मीट दुकान, मुर्गा मीट दुकान है वहाँ पे, उसको भी बुरी तरीके से पीटा गया। आज से 1 पहले आपको याद होगा रोसरा थाना क्षेत्र के एक गाँव में कैसे एक व्यक्ति के साथ लिंचिंग किया गया था, और इसी तरह एक ई रिक्शा बैटरी चालक को भी बेरहमी से पीटा गया था, सिर्फ भीड़ ने उनको पीटा और बेरहमी से पीटा। आज एक बार फिर सजलूम कुरैशी के साथ जो हुआ, ये पूरे समस्तीपुर जिला नहीं पूरे बिहार को शर्मसार करने वाला ये तस्वीर जो निकल कर आई, जो 16 को जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो ने इस बात का पोल खोल दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज अब नहीं रहा, नहीं रहा, भरोसा उठ रहा। हम तो यही कहेंगे कि अभी तक वो कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा की तरह बैठे हुए हैं। तो आपको इंसाफ चाहिए, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जो भी अपराधी है उसको लिखित आवेदन दिए हैं कि नहीं थाना? जी दिए हैं, दिए हुए हैं जी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ा बाबू छोटा बाबू यहाँ भी आए थे वहाँ से। यहाँ कौन कौन नेता अब तक आए? नेता यहाँ आलोक कुमार मेहता जी आए थे, शाहीन जी आए थे, शाहीन जी विधायक जी, विधायक जी,
और हमारे जो है सो फारूक शुएब जी आए हुए थे, कारी शुएब साहब। और हम आश्वासन दिए उन लोगों ने, उन लोगों ने थाना प्रभारी से बात किए और कहे कि 3 दिन का हम तुमको टाइम दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर अपराधी को पकड़ के बंद करो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ, नून ब्लीचिंग का धारा लगा के उनको जेल भेजो। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, सजलूम कुरैशी के घर पर हम मौजूद हैं, उनके गांव आए थे, उनके घर पर आए थे। सजलूम कुरैशी इस हाल में नहीं है कि वो हमसे ढंग से बात भी कर पाए, लेकिन सजलूम कुरैशी के साथ जो कुछ घटना हुआ ये काफी दुखद घटना है, ये काफी बेहद दर्दनाक घटना है। और हमारे देश में कैसे किसी एक व्यक्ति के साथ भीड़ के द्वारा लिंचिंग कर दिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। और बिहार पुलिस पर भी बड़ा सवाल है, बिहार सरकार पर भी बड़ा सवाल है। वैसे 20,000 रुपया 10,000 दो आदमी दिए हैं, उसके बाद कुछ नहीं। इलाज करने के लिए अब बताइए, हमारे घर में इतनी हाल हुआ है, क्या हमारे बाल बच्चा खाएंगे, क्या हम कर्जा सधाएंगे, लोन जो लिए हुए हैं उनसे बेइज्जती अलग होंगे, हम लोग का क्या स्थिति रहे। क्या नाम है आपका? सहानी खातून। देखिए, सहानी खातून है, इनकी पत्नी है, और वो इस बात से दुखी है कि उनके परिवार में जो कमाने वाला था वो ही अब बेड पर लेटा हुआ है, तब उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। और सबसे बड़ी सवाल है कि उन्होंने जो समूह लोन ली है उसका भी डर है कि कहीं अब लोन वाला आकर घर पर बेइज्जती न कर दे, इस वजह से भी परेशान है। इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा 10,000-20,000 रुपया करके मिला है तो उसी से इलाज करवा रहे हैं। अब सवाल है कि इनका इलाज कब होगा, इंसाफ कब मिलेगा, पुलिस कार्रवाई कब करेगी, ये तमाम सवाल है, ये देखना बाकी है।